नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बच्चों के व्यवहार में होते बदलाव के बारे में। आजकल जो बच्चों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा होना, बच्चों का हिंसक होना, ये सब जो प्रवृत्तियाँ लगातार बच्चों में आ रही हैं, इनका क्या कारण है आखिर, ये जानने के लिए हम गए लखनऊ के मनोचिकित्सक डॉक्टर अलीम सिद्दीकी के पास। कि घर के माहौल में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पेरेंट्स एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं, मारपीट नहीं भी कर रहे हैं तो वायलेंस बोल के भी हो सकता है, इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की क्रूरता भरी एक दूसरे से व्यवहार हो रहा है, या कोई घर में जानवर है उसको पीटा जा रहा है, या माँ बाप अपने से ठीक हैं लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, मतलब बच्चे को कहीं से एक मॉडल मिल रहा है इस तरीके का कि क्रूरता फैली है। दूसरा, बच्चे का खुद का टेंडेंसी कैसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी, तो अगर वो उसके फैमिली हिस्ट्री में वायलेंस की हिस्ट्री ज़्यादा है तो बच्चे में वायलेंट बिहेवियर के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे हमको। अगर बच्चे पे अनड्यू प्रेशर है, उसकी बात को समझा ही नहीं जा रहा है, उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं दी जा रही है। कभी कभी आप बच्चों को डराने के लिए कुछ ऐसा तो नहीं कह देते जिसका उनके दिमाग के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ये असर कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ये धीरे धीरे उनके बड़े होने के साथ बड़ा होता जाता है। कभी आप बच्चों से ऐसा मत कहें कि बाहर मत जाना, झोली बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, अंधेरे में मत जाओ, वहाँ पे ये है वो है। ओवर केयर के बजाय बिल्कुल उसको अंडर केयर कर रहे हैं आप, तो बच्चा डरा सहमा सा रहेगा। बच्चे को अक्सर करके पेरेंट्स लोग डराते हैं, वहाँ ना जाओ, अंधेरे में भूत होता है, इस तरह की, तो ये चीज़ें नहीं बोलने की हैं। उसको जो सही फैक्ट है वो बताना चाहिए। अगर आपने भूत की आदत डाल दी और बच्चे के अंदर डर बैठ गया तो फिर वो ना लिफ्ट में जा पाएगा, ना अंधेरे कमरे में जा पाएगा, ना कहीं उसकी जो एक नॉवेल्टी सीकिंग या थ्रिल सीकिंग जो टेंडेंसी है पर्सनैलिटी की, वो आपने क्रश कर दी। बच्चे का व्यवहार आपको अगर बढ़िया रखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक चीज़, बच्चे से बात करते रहें, बच्चे के साथ समय बिताते रहें, बच्चे को बच्चे के दिमाग से देखें। अगर उसको कोई ड्राइंग पसंद आ रही है तो साथ में बैठ के अगर आपने उसको सिर्फ कलर उसका पकड़ा दिया या उसको तारीफ कर दी, हाँ बेटा ये तो बहुत तुमने अच्छा बनाया है, ठीक, तो उसका बहुत मन बढ़ जाता है, बहुत प्रोत्साहन होता है। तो बच्चा की हॉबीज़ क्या है, बच्चे की हॉबीज़ में आप पार्ट लें, बच्चा जो अच्छा काम कर रहा है उस पर उसकी प्रोत्साहन करें कि बहुत अच्छा किया। बच्चा अगर गलत काम कर रहा है तो उस पर मारने और पीटने के बजाय उसको ये समझाएं कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, ये काम करने से आगे चल के दिक्कत आती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भी ऐसा ही करता था लेकिन मुझे इसको हानि उठानी पड़ी। आप एज अ अपने आप को वहाँ पे रोल मॉडल डाल दें। मारपीट और डांट लास्ट के लिए रखें, एक्सट्रीमली बल्कि इसको हम लोग कहते हैं अवॉइड ही करें, क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है आजकल के माहौल में। बच्चे का कहाँ किससे मिल रहा है इसका थोड़ा ध्यान रखें, बच्चे के फ्रेंड्स कहाँ पर हैं, बच्चा पार्क में खेलने जा रहा है वहाँ पर भी कभी कभी जाएं और उन लोगों से भी बात करें। अपने बच्चे के अंदर अगर कोई बिहेवियर चेंज आ रहा है कि बच्चा का एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर था लेकिन अब उसमें सडन चेंज आ गया, जैसे कम बोलने लगा है, चिड़चिड़ाने ज़्यादा लगा है, अचानक से ग्रेड गिरने लगे हैं, अचानक से वो अपने छोटे भाई बहन या जानवर पर एग्रेसिव होने लगा है, तो ये चीज़ जाने ये खतरे की घंटी है। बच्चे को कहीं ना कहीं हो सकता है इस तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा हो जिसका रिफ्लेक्शन वो यहाँ पर मिल रहा है। बच्चे का प्ले बिहेवियर, बच्चा कैसे खेलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्लिनिकली भी इसको हम लोग जानना चाहते हैं और माँ बाप की तरह आप भी जान सकते हैं कि उसका प्ले बिहेवियर कैसा। आपने उसको डॉल दे दी, अगर वो डॉल से किस तरह का खेल रहा है उससे ये आइडिया लगता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ठीक, तो बच्चे के मन में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करें, बच्चे के साथ समय बिताएं, अपने लैक ऑफ टाइम को, समय की कमी को फ़ोन से और गिफ्ट से ना रिप्लेस करें। जैसा कि डॉक्टर अलीम ने बताया कि अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें, आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, कभी बच्चों के साथ ऐसा ना करें जिनका असर उनके दिमाग पर पड़े, यानी वो मानसिक रोगी बने। हम नहीं चाहते हैं कि कभी आपका बच्चा मानसिक रोगी बने।